नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो डायबिटीज है इसके बारे में कुछ इस तरह के नुस्खे, इस तरह की चीजें पता लग रही हैं कि ये आपकी क्योर हो सकती है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो आप डेफिनेटली इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसमें करना क्या है आपको कि आप त्रिफला आता है, त्रिफला का चूर्ण आता है वो, और मेथी। जी हाँ, त्रिफला का चूर्ण आप रात को एक चम्मच एक गिलास के अंदर भिगो के रख दीजिएगा और तकरीबन दो चम्मच के करीब मेथी पानी में भिगो के रख दीजिएगा, एक एक गिलास, और आराम से सो जाइए। सवेरे जब आप उठते हैं तो आप त्रिफला का जो चूर्ण है उसको मिलाइएगा, वो पानी के अंदर है, और उसको पी जाइएगा। और उसके बाद आप मेथी का जो पानी है उसको भी पी जाइए और मेथी को चबा चबा कर खाइएगा। देन इसके बाद आप तकरीबन एक घंटा कुछ ना खाएं, वॉक में निकल जाएं, वॉक करें, वज्रासन करें, वॉक करें, और जब आप वॉक करेंगे तो आपके शरीर पर फायदा पड़ेगा। देन ये रेगुलर अगर आप प्रोसेस के अंदर ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी डायबिटीज में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, मेज पर बैठकर खाना खाते हैं, तो आप खाना जमीन पर खाएं। आप जमीन पर खाना खाएंगे तो विश्वास मानिए कि आपके डायबिटीज पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आप जब झुककर खाना खाते हैं तो आपकी पैनक्रियास पर असर पड़ता है, और आपकी पैनक्रियास पर जब असर पड़ता है तो आपकी इंसुलिन बनती है, इंसुलिन बनती है तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम कम होती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप चौकड़ी मारकर बैठकर नीचे खाना खाएं तो आपको डायबिटीज में आराम मिलेगा। और ये जो नुस्खा हमने बताया है इसको आप लगातार अगर 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायबिटीज के अंदर बहुत फायदा मिलेगा। 3 महीने तक इस्तेमाल कीजिए रेगुलर, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई है तो आप इसको धीरे 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 कम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डायबिटीज अभी कंट्रोल में नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे नुस्खे हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और आयुर्वेद के अंदर तो डायबिटीज नाम की दवा बीमारी का कोई जिक्र ही नहीं होता है। हमारे डाइजेशन में हमारी पैनक्रियास के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम लोग पश्चिम की ओर जुड़ गए और टेबल्स पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी पैनक्रियास पर जोर नहीं पड़ता है। हम चक्की नहीं चलाते हैं, अगर हम चक्की चलाते तो भी हमारी पैनक्रियास पर जोर पड़ता था। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को आप ध्यान रखो। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, प्रॉपरली वॉक करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, नीचे बैठकर खाना खाएंगे, और ये जो नुस्खे बताए हैं ये आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज के अंदर फायदा होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।